Hi friends, welcome back to the Pragmatic Lopa. जैसा कि आप सबको पता ही होगा, मैंने already एक DIY किया था Yarn Larntons पे. अगर नहीं देखा या देखना चाहते हैं, link description box में होगा. Anyways, आज के DIY में हम same yarn orbs use करेंगे, for purpose entirely different है. Fairy light yarn lantern के decor के बाद Either आप simply इनमें से कुछ colorful yarn orbs use कर सकते हैं या नए orbs बना सकते हैं different sizes के और अपने preferred colors के जिन्हें वास fillers या ball में use करें as an attractive centerpiece. Use करें जैसा आप चाहें. अगर आप इस channel पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर के कोई भी वीडियोस मिस ना करें. तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करें. इसके लिए आप अपने पसंद अनुसार कोई भी साइज के बलून्स लें. सबसे छोटे वाले साइज के लिए ये वाटर बलून्स लिया, हवा भरे पर ज़्यादा नहीं, नॉट से सिक्योर कर दें. और चाहिए कोई वास या बॉल जो आप सेंटर पीस की तरह यूज़ करना चाहेंगे. और अगर लाइटिंग इफेक्ट देना है, स्ट्रिंग लाइट्स यूज़ कर सकते हैं जो ऑप्शनल है. कोई भी कलर के वुल या यान लें और ये सब सेम क्वांटिटी में चाहिए. रेगुलर ऑल पर्पस ग्लू, गर्म पानी और कॉर्न स्टार्च और एक मिक्सिंग बाउल. पहले कॉर्न स्टार्च में गर्म पानी मिलाएं, तुरंत स्पून से मिक्स करें ताकि लम्स ना हो जाए. आप ये DIY बिना कॉर्न स्टार्च के भी बना सकते हैं सिर्फ ग्लू और पानी से, पर मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगी कॉर्न स्टार्च मिलाने के लिए, जो ग्लू को थिक करने के साथ साथ वुल को ज़्यादा फर्म और स्ट्रॉन्ग रखेगा. ये आप एंड में खुद ही देख सकते हैं. अब इसमें सेम क्वांटिटी ग्लू डालें, सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स करें. याद से काम करने की जगह पेपर या प्लास्टिक से कवर करें. आप डायरेक्टली वुल को इस सॉल्यूशन में सोक करके बलून को रैप कर सकते हैं, पर ट्रस्ट मी ये बहुत मैसी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी किचन से कोई रेगुलर कार्टन या पेपर कप यूज़ करें. इसीलिए ऐसे एक बड़े मिल कार्टन को एग्जैक्टो नाइफ से काटा और जितना नीचे हो सके उतना नीचे सुई से वुल को कार्टन में डालें. दूसरे साइड से पुल करने पर सॉल्यूशन मिक्स डालें ताकि जब वुल इस ग्लू मिक्स से पास होगा, ग्लू सोक करने के साथ साथ इस होल से पास होते वक्त एक्सेस ग्लू अपने आप रिमूव हो जाएगा और जितना ग्लू चाहिए बस उतना ग्लू रहेगा. इस तरह वुल टैंगल होने के बजाय आसानी से मैनेज कर सकते हैं और ज़्यादा मैसी भी नहीं होगा. बलून के ऊपर वुल से एक नॉट बनाएं. यहाँ नॉट बनाने से पहले थोड़ा वुल एक्स्ट्रा ज़रूर रखें, जिसे बाद में आप इन बलून्स को ड्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. पर मैं भूल गई, इसीलिए बाद में अलग से सेपरेट पीस यूज़ करूँगी हैंग करने के लिए. बलून को रैंडमली रैप करें. ध्यान रखें ज़्यादा टाइट से ना रैप करें, वरना स्लिप हो सकता है, और ना ही लूज रैप करें. बस इतना टाइट कि बलून में फिट हो जाए. थोड़ी देर इधर उधर ट्राई करें जब तक आपको वो स्टेबल ना लगे. रैप करते रहें जब तक आप चाहें. मैंने बलून का ऑलमोस्ट 60-70% रैप किया, और जब आपके मन चाहे लुक से खुश हो तब कैंची से काट दें और वुल के एंड को अंदर स्लाइड कर दें. जैसे कि पहले कहा था, इंडिविजुअल बलून्स के लिए मैंने ट्वाइन का सेपरेट पीस यूज़ किया. आप आइदर एक स्ट्रिंग को दोनों चेयर से लटकाते हुए ड्राई करें या इस तरह दोनों दीवार पे थंब टैक्स यूज़ करके ड्राई करें. यूजुअली 4-5 घंटे में ड्राई हो जाता है, पर सेफ साइड के लिए मैंने ओवरनाइट रखा. जब सारा ड्राई हो जाए आप देख और सुन भी सकते हैं ये कितना टाइट और स्टर्डी है,
और बलून को किसी पोकी ऑब्जेक्ट से पियर्स करें। ये वियर्ड साउंड करते हुए बलून इंस्टेंटली डिफ्लेट हो जाने पर आप सिंपली इसे बाहर निकाल दें और आपका पहला यार्न ऑर्ब तैयार। कभी कभार जब बलून डिफ्लेट होते वक्त अटक जाए तो कोई पॉइंटी ऑब्जेक्ट जैसे ट्वीज़र या सीजर से आसानी से निकाल दें। ऐसे यार्न ऑर्ब्स डिफरेंट साइजेस के बनाएं बेटर लुक के लिए। एक बार सारे यार्न ऑर्ब्स बन जाए तो आइदर बॉल में भर दें या जार फिलर्स की तरह यूज करें। और जैसा कि पहले मैंने कहा था, अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा विजुअल इफेक्ट के लिए ये स्ट्रिंग लाइट्स यार्न ऑर्ब्स में डालें। जब आपके रिक्वायरमेंट अनुसार सारे यार्न ऑर्ब्स में स्ट्रिंग लाइट्स डाल दें, तब या तो वास में फिल करें या सेम उसी तरह बाउल में भी भर सकते हैं। और एंजॉय करें चीयरफुल मॉर्निंग्स के साथ साथ लाइटली इवनिंग्स। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कोई रिक्वेस्ट या सजेशंस हैं तो। और अगर आप चाहते हैं तो मुझे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। थैंक्स ये देखने के लिए, फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू सून।